खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की और करते रहे। सारे लोग इतना प्यार करते हैं, दुबई के लोग हैं ही बड़े प्यार करने वाले, सुलझे हुए लोग हैं, मौसीकी को समझते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे ही मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं हाजिर होता हूँ सर के बल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। गाना गाता हूँ मैं, मैनेजमेंट करता हूँ मैं, प्रोग्राम की सेटिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए बंदे को एक जेन रखना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है। जो उसने अपने जेन में बिठा लेना है वही उसने कर लेना है, ये कोई मुश्किल नहीं। और ये मेरा पैगाम है यंग जनरेशन के लिए कि अगर वो कुछ चाहते हैं, गाना चाहते हैं, कुछ बजाना चाहते हैं, तो एक माइंड रखें। जो लोगों ने चार चार पाँच पाँच माइंड रखे होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं। अमारात न्यूज़ और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के जरिए तमाम एक शाम मरूफ तबला नवाज और सिंगर नज़ाकत अली ख़ान के एजाज़ में मनाई गई, जिसमें नज़ाकत अली ख़ान और यास्मीन अली ने अपने फ़न और गायकी से हाजरी ने महफिल पर एक सहर तारी कर दिया। नज़ाकत अली ख़ान के एजाज़ में मनाई गई इस शाम में मुतद अरब अमारात के मकामी फनकारों ने अपनी गुलकारी के जोहर दिखाए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद सदीक, शहामा बुदैबी, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर समीउल्ला खान अखवन खेल थे। चौधरी खालिद हुसैन, जमील इसाक, चौधरी इफ्तखार, आबद चौधरी, बू सैफ, असलम सरकानी, आरफ महमूद, शहनाज खानम, शफीक सिद्दीकी व दीगर तकरीब में शरीक थे। आखिर में अमारात न्यूज़ और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से मेहमानों और फनकारों को शील्ड्स और तोहफ़े पेश किए गए। शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग तशरीफ लेके आए और एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे आज का प्रोग्राम जो है हमारी कम्युनिटी के हवाले से, सोशल सेंटर के हवाले से, अरब अमारात के हवाले से बहुत ही खूबसूरत हो गया, क्योंकि यहाँ पे SOPs का भी ख्याल रखा गया और सारा ये भी था कि जितने गेस्ट को बुलाया हुआ था, जो इंटरनेशनल लेवल से मेहमान सिंगर आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है।